हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कैडजी। टुडे वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसी सेल का एंट्रोपी चेंज कैसे निकाला जाए और हमने पढ़ा था ये होता है एन फैक्टर इंटू एफ इंटू डी ऑफ ई सेल बाय डी टी और भी कुछ याद आ रहा है इसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ सेल चलो जल्दी से क्वेश्चन लिखो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ डेनियल सेल डेनियल सेल इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ डेनियल सेल इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस फोर माइनस टेन टू पावर माइनस फोर वोल्ट पर केल्विन वोल्ट पर केल्विन देखो होगा ना टेम्परेचर डी डीई ये ई सेल मतलब वोल्टेज इसका यूनिट हो जाएगा और डी टी का यूनिट हो जाएगा केल्विन इतना वोल्ट पर केल्विन कैलकुलेट कैलकुलेट डेल्टा एस सेल एट टू सॉरी ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड

एन फैक्टर इन टू एफ इन टू डी ई सेल बाई डी यही तो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है इसका डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं हम लोग माइनस टेन टू दावर माइनस फोर वोल्ट पर केल्विन अब क्या है अब तो बस हमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं अरे एन डेनियल सेल का एन कितना होता है डेनियल सेल में रिएक्शन होता है जेड सॉलिड प्लस कॉपर प्लस टू एक्वस से बनता है कॉपर सॉलिड प्लस जेड एन प्लस टू एक्वस अब हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि जेड एन से जेड एन प्लस टू बना यानी दो इलेक्ट्रॉन यानी एन फैक्टर है टू इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कूलम इंटू माइनस टेन टू द पावर माइनस फोर वोल्ट पर केल्विन कोई दिक्कत सब कुछ ऐसा SI यूनिट में यूज करें तो आंसर अपने आप ऐसा SI यूनिट में आएगा डेल्टा एस इंट्रोपी चेंज का ऐसा SI यूनिट क्या होता है ये होता है जूल पर केल्विन देखो कूलम इनटू वोल्ट ये हो जाता है जूल तो यहां से आंसर आ गया देखो ये आ गया वन नाइन थ्री वन नाइन थ्री ट्रिपल जीरो इंटू टेन टू पावर माइनस फोर जूल पर केल्विन आ गया कोलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू जूल और यहाँ से तुम्हारा टेंट द पावर माइनस फोरत हो गया नाइनटीन पॉइंट थ्री जूल पर किलविन नाइनटीन पॉइंट थ्री जूल पर किलविन आगे माइनस भी लगा हुआ है ना एक माइनस सेन लगा हुआ बच्चों 19.3 पॉइंट थ्री जूल पर किलविन इतना इंट्रॉपी का चेंज हुआ है ठीक है तो बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को यूज करना बच्चों चलो इसको मिटा दे रहे हम उम्मीद करते हैं तुम लोग हमसे पहले ही सॉल्व किए होगे उम्मीद नहीं मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन तो तुम लोग हमसे बहुत पहले सॉल्व कर लिए होगे चलो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन छोटा सा सॉल्व करो ये जो क्वेश्चन आगे बताने जा रहे हैं ये जनरली जे एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मेन्स और नेट में ये क्वेश्चन शायद ही आए ज्यादातर चांस नहीं आने का सेल ऑफ अ सेल इज गिवन बाय गिवन बाय ई सेल इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर ई सेल का एक इक्वेशन बना दिया ई सेल इज गिवन बाय दिस डाइव डेराइव एन एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा एस सेल डेल्टा एस सेल के लिए एक्सप्रेशन डेराइव करना है अब जी एडवांस में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्रेशन डेराइव करके चार ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें क्यों एक सही तो ऑप्शन आपको चुनना होगा यह भी क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं आप लोग हमसे पहले सॉल्व करोगे वीडियो को पॉज नहीं करना है हमसे कंपटीशन करना है आप लोगों को हम भी सॉल्व कर रहे हैं आपको भी सॉल्व करना है चलो तो हम लिखते हैं डेल्टा एस सेल इज इक्वल टू एन फैक्टर इन टू एफ डी ई सेल बाय डी टी कोई दिक्कत नहीं यहां से लिख देते हैं एन फैक्टर इन टू एफ डी ई सेल डी सेल कितना है डी बाई डी टी और ई सेल है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर हो गया अरे सॉल्व हो गया तो बड़ा आसानी सॉल्व हो गया एक ही लाइन में सॉल्व हो गया एन फैक्टर D D A, A का D by D क्या होगा ए कॉन्स्टेंट है तो डी बाई डी टी हो गया यहां पर मेंशन होना चाहिए ए बी सी जो है कॉन्स्टेंट है ठीक है ए कॉन्स्टेंट है और डी ए बाई डी टी तो जीरो हो गया बी कांस्टेंट है तो d बाई डी के बाहर आ जाएगा और d बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा वन इंटू वन प्लस सी बाहर आ गया और टी स्क्वायर का डी बी डी हो जाएगा टू टी सी इंटू टू टी तो ये तुम्हारा नेट एक्सप्रेशन आ गया आ गया एन एफ इंटू एफ बी प्लस टू सी टी ये एक्सप्रेशन डराइव हो गया एस सेल का चेंज इन इंट्रॉपी ऑफ द सेल ठीक है चलो बच्चों एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जो एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है खैर मुझे बताना नहीं था नहीं बताते तुम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते बताने के बाद प्रेशर आ जाता है कि भाई एडवांस का क्वेश्चन है बनेगा या नहीं बनेगा पोटेंशियल ऑफ ऑफ सेल सेल क्या है सेल रिप्रेजेंट किया हुआ था पीटी सॉलिड प्लेटिनम सॉलिड एच टू गैस एच सी एल एक्वस ए जी प्लस एक्वस ए जी सॉलिड द पोटेंशियल ऑफ सेल यह सेल लिखा हुआ था एट फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इज रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली इज रिस्पेक्टिवली जीरो पॉइंट टू थ्री वोल्ट एंड जीरो पॉइंट टू वन वोल्ट ये पोटेंशियल है अलग अलग टेम्परेचर पर कैलकुलेट कैलकुलेट दी अब दो पार्ट था पहला था डेल्टा एस सेल और दूसरा था कैलकुलेट दी एक मिनट हो जाओ थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन अलग था एक्चुअली था क्वेश्चन में दो पार्ट थे राइट दी राइट दी दी सेल रिएक्शन एंड बेस्ड ऑन दैट बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेट कैलकुलेट डेल्टा एस सेल रिएक्शन है दिया लिखना है आपको और उस पर बेस्ट डेल्टा एस लिखना है एक बार चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक या कुछ दिमाग भी लगाना था क्या चलो सॉल्व किया जाए पहले तुम लोग कंपटीशन करोगे हमसे आज का क्लास इसलिए सॉल्ट होने वाला है बहुत छोटा क्यों क्योंकि तो तुम्हें हमसे कॉम्पिटिशन करके आगे बढ़ जाना है हमसे तो जब तुम हमसे आगे बढ़ जाओगे तो मेरे लिए मेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो इसीलिए क्लास छोटा कर देंगे है कि नहीं चलो तो हमें सबसे पहले क्या करना है राइट द सेल रिएक्शन सेल रिएक्शन लिखने के लिए एनोड का रिएक्शन प्लस कैथोड का रिएक्शन एनोड का रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एच टू का एच टू गैस कन्वर्ट हो रहा है टू एच प्लस एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन हो गया एनोड का रिएक्शन कैथोड का रिएक्शन रिडक्शन करना है किसका ए जी प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा ए जी सॉलिड अब दोनों रिएक्शन को जोड़ करके जब बच्चे तुम नेट सेल रिएक्शन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कैंसिल क्या कैंसिल हो रहा है इलेक्ट्रॉन बताओ तो नहीं तो क्या करोगे नीचे वाले को दो से मल्टीप्लाई करोगे या ऊपर वाले को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे किसी एक से मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं चलो दो दो इलेक्ट्रॉन कट गया यहां पर अब आगे आते हैं लिखे लिखे लिखना पड़ेगा तुम्हें नेट सेल रिएक्शन एच टू प्लस टू ए जी एच टू गैस प्लस टू ए जी प्लस एक्वस से बन रहा है टू एच प्लस एक्वस प्लस टू ए जी सॉलिड और यहाँ से एक तो आंसर मिल गया तुम्हें तुमने सेल रिएक्शन लिख दिया तुम्हें मार्क्स मिल गया ये जी एडवांस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों तो यहां से एन एफ भी निकाली ना जब इतना मेहनत कर लियो भाई तो एन एफ क्यों नहीं निकालोगे एन एफ कितना हो गया बताओ दो इलेक्ट्रॉन कटा है तो एन एफ टू हो गया अगला स्टेप भी कर लो यार डेल्टा एस इज इक्वल टू एन फैक्टर इन टू एफ डी ई सेल बाय डी टी अब तो तुम लोग सॉल्व कर ही चुके हो गए हमें इतना ही उम्मीद हो गया है देखो एन फैक्टर कितना है टू एफ कितना है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो डी टी कितना है चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर तुम्हारा है पंद्रह डिग्री फैलना पैंतीस डिग्री पैंतीस माइनस पंद्रह कितना हो गया ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड माइनस थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड हम डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखते देते हैं केलविन लिख देते हैं डायरेक्टली थर्टी फाइव माइनस फिफ्टीन केलविन तुम बोलोगे सर टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में था आपने जब घटाया तो केलविन लिख दिया तो हम बताते हैं कि ये जो घटा करके तुम्हारा डिग्री सेंटीग्रेड में डिफरेंस आएगा ना उतना ही डिफरेंस केलविन में आएगा अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं है तुम्हें तो थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड को केलविन में बदल लो पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड को केलविन में बदल लो और फिर घटा के चेक कर लो क्या बीस ही आंसर आता है आएगा उतना ही आएगा चलो अब देखो थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर वोल्टेज था पॉइंट टू वन ये हो गया ऊपर में जीरो पॉइंट टू वन माइनस पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड पर पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड पर था जीरो पॉइंट टू थ्री माइनस जीरो पॉइंट टू थ्री और यहां लगा दिए वोल्ट अब तुम्हें कुछ नहीं करना है कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं मतलब ऑफ कोर्स कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा चलो यहीं पर कैलकुलेशन कर देते हैं हम बच्चों टू इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल ज़ीरो कूलम इंटू ये देखो ये आ गया पॉइंट ज़ीरो टू जीरो पॉइंट ज़ीरो टू पॉइंट जीरो टू वन माइनस थ्री हो गया टू तुम्हारा कोई दिक्कत और आगे एक माइनस साइन भी लगेगा क्योंकि कम क्वांटिटी में से ज़्यादा क्वांटिटी घटा रहे तो माइनस जीरो पॉइंट ज़ीरो टू डिवाइड बाई ये हो गया तुम्हारा ट्वेंटी केलविन तो ये हो गया तुम्हारा वोल्ट और ये हो गया केलविन अब बच्चों देख लो यहाँ पर कट पिट कर देना टू टेन टाइम्स कट जाएगा यहाँ पर ठीक है तो ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू और यहाँ से तुम्हारा जो आंसर है फाइनल वो आंसर चलो हम नहीं निकालेंगे फाइनल आंसर तुम निकाल लोगे हम फाइनल आंसर बता दे रहे हैं फाइनल आंसर आएगा पॉइंट जीरो जीरो टू हो गया तो टू इंटू टेंट दोबारा माइनस थ्री हो गया तो आंसर आएगा फाइनल वन कॉमा वन नाइन्टी थ्री ट्रिपल जीरो वन नाइन्टी थ्री ट्रिपल जीरो इंटू टेंट दावर माइनस थ्री तो यानी कि ये यहाँ से आ गया आंसर माइनस वन नाइन्टी थ्री जूल पर केल्विन ये आंसर आ गया बच्चों तुम्हारा ठीक है चलो आंसर तो तुम्हारा आ गया अब बात करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का क्या है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये है जो तुम्हारे मन में भी डाउट आ चुका होगा मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे हो तो एकदम लाजमी बात है डेफिनेटली तुम्हें डाउट आएगा क्या डाउट आएगा चलो हम गेस करते हैं तुम सोचना है कि सही गेस केंगे नहीं तुम्हारे मन में ये डाउट आया होगा कि सर अगर यहां पर बैलेंस किए होते एक इलेक्ट्रॉन मान करके यानी कि हमारा ये जो रिएक्शन है ओरिजिनली ये रिएक्शन तो हमने ओरिजिनली इस तरीके से लिखा था तो अगर हम इसको वन से मल्टीप्लाई कर दिए होते और एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते बैलेंस करते समय हालांकि हमने दो इलेक्ट्रॉन रखा है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया होता तो एन फैक्टर तो वन होता और अगर एन फैक्टर वन होता तो डेल्टा एस का वैल्यू तो कम निकल करके आता तो आपने गलत तो नहीं बता दिया हमें बताइए डेल्टा एस का वैल्यू चेंज कर सकता है क्या तुम सोचो पोटेंशियल तो पता है पोटेंशियल निकालते समय एन फैक्टर मैंने नहीं रखता है डेल्टा एस निकालते समय मैंने रख लिया भाई तो सिंपल कहना है बच्चों देखो हम लोग पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं क्या पढ़ चुके हैं देखो चलो इसको मिटाते नहीं यहीं पे हम बताते हैं ये फॉर्मूला मिटा देते हैं ताकि हम कुछ बता सके तुम्हें बच्चों तो इतना बॉक्स में हम पहले का कुछ याद दिलाना चाह रहे हैं हम लोग पहले भी तो ये बात पढ़ चुके हैं ना ए से बी का अगर डेल्टा एच या फिर डेल्टा जी या फिर डेल्टा एस कुछ भी अगर इसका वैल्यू x है तो 2a से 2b के डेल्टा s का वैल्यू हो जाता है 2x। एक्स हेस लॉ बोलते थे याद आ रहा है तुम्हें तो अरे हेस लॉ को डेल्टा h फॉलो करता है डेल्टा s फॉलो करता है डेल्टा g फॉलो करता है क्या दिक्कत है तो चूंकि यहां पर अब तुम कोफिशियंट चेंज करोगे तो डेल्टा s का वैल्यू चेंज होता जाएगा तुम बोलोगे आईटी का क्वेश्चन है सही कौन सा है क्या माने किस तरह के सही करें सिंपल बात है आईटी के क्वेश्चन में मैं क्या है राइट सेल रिएक्शन एंड बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेट डेल्टा एस तुम जैसा सेल रिएक्शन लिखोगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एग्जामिनर चेक करेगा अच्छा तुमने जब सेल रिएक्शन लिखा है तो एन फैक्टर टू लिखा है तब तुम्हें डेल्टा एस निकालते समय एन फैक्टर टू लेना है तुमने अगर सेल रिएक्शन लिखा होता जिसमें एन फैक्टर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर के रिएक्शन को बैलेंस किया होता एन फैक्टर तुमने वन लाया होता तो तुम्हारा जो डेल्टा एस है वो वन के अनुसार आता तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए यहां पर स्कोप था कि तुम किसी भी तरीके से बैलेंस कर लो और उसके अकॉर्डिंग यहां पर डेल्टा एस के वैल्यू निकाल लो ध्यान रखना रिएक्शन का स्टोक्यूमेट्री डेल्टा जी के लिए मैंने रखता है डेल्टा एच के लिए मैंने रखता है डेल्टा एच डेल्टा जी जी फॉर ग्वालियर डेल्टा एच एच फॉर हरियाणा और डेल्टा एस एस फॉर शिमला लेकिन ई पोटेंशियल ई फॉर इंग्लैंड पोटेंशियल ई के लिए मैंने नहीं रखता है पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय तुम किसी भी तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है ठीक है बच्चों तो आज हम लोग हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड जितनी भी बातें थी अलग अलग तरीके का इलेक्ट्रोड गैसियस इलेक्ट्रोड इन साल्ट सॉल्ट का इलेक्ट्रोड सोलिबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड सेल से रिलेटेड पोटेंशियल का अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेशन सेल से रिलेटेड थर्मोडाइनोमिक पैरामीटर सब कुछ हमने डिटेल में देखा आगे इसके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर एक बैटरी चलते चलते अभी तुम इतना पढ़ोगे मान लो तो जो बैटरी बनाया वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा चलते चलते इतना दिन कहाँ टिक पाएगा बैटरी तो अगर एक बैटरी चलते चलते डिस्चार्ज हो गया तो कैसे उसको हम लोग रिचार्ज करेंगे थैंक यू वेरी मच